तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए और फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा काम से निकला हूँ, मुझे थोड़ा मेडिसिंस लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, जाके थोड़ा मेडिसिंस लेना है। पापा का मेडिसिन लेना है थोड़ा स्किन का, और मेरा भी थोड़ा फेरेंजाइटिस वगैरह का मुझे मेडिसिंस लेना है, ख़त्म हो गया तो वही अभी लेने जाऊँगा। सो गाइस होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और रिसेंटली मैं वैक्सीन देने के लिए गया था, कोविडशील्ड वैक्सीन देके आया मैं रिसेंटली। तो मैं वैक्सीन देने के लिए कलाइन गया था, मेरा घर से 23 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो आप लोग ब्लॉग में देख चुके होंगे। तो मैंने वैक्सीन देने के बाद मेरा कोई इफेक्ट हुआ नहीं, मेरा कोई बुखार वुखार कुछ का सिम्टम्स वगैरह कुछ आया नहीं, मैं अभी भी ठीक हूँ। 2 दिन हो गया मेरा वैक्सीन देने का, तो अब तक मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नॉर्मली है सब कुछ। तो जैसे कि गाइस मेरा कुछ दोस्तों का वैक्सीनेशन के टाइम में उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, उनका नाम मैं बोलूँगा नहीं, छोड़ो बेकार में। और फिर किसी ने वैक्सीन देने के बाद उनका बुखार वगैरह आ गया। तो अगर बुखार वगैरह आ गया तो आप लोग गाइस मेडिसिन वगैरह मत खाना, 1-2 दिन तक मत खाना। तो एक्चुअली वो लोग नहीं बोल के देते, जब नर्स लोग जब देते हैं वैक्सीन तब वो लोग बोलते हैं कि अगर बुखार वगैरह का सिम्टम्स आया तो आप लोग वो मत लेना, मेडिसिन वगैरह मत लेना। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सामने जाऊंगा, डॉक्टर के पास ताड़ोपुर में ही है डॉक्टर, तो उनसे मैं मेडिसिन लूँगा। लेने के बाद मैं आज जाऊंगा एक दुकान पे, मुझे एक कुछ परचेज़ करना है। तो गाइस आप ब्लॉग पे बने रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आज फाइनली आफ्टर ऑल बहुत दिनों बाद मैं वो सामान परचेज़ करूँगा आज बहुत दिनों बाद। तो मेरे साथ सूरज भैया भी है, तो जा रहे भैया अभी वहाँ से स्टेशन चले जाएंगे, उनका क्या काम है। तो गाइस मैं आपसे डायरेक्ट दुकान में जाके मिलता हूँ। मेरा अनबॉक्सिंग कर रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा वाला है। वन प्लस तो खरीद रहा हूँ, बट ये कौन सा वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वन प्लस 9 और ये भैया को तो पहचानते होंगे, बहुत फेमस भैया। तो ये रहा मेरा वन प्लस 9। तो मैं पेमेंट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और हेल्प किया भैया ने, थैंक यू भैया, बाद में मिलते हैं, बाय बाय, आपसे भी बाय बाय, थैंक यू, आता हूँ जल्दी मिलते हैं। हाँ हाँ श्योर, मुनी अंकल आई गया, टाटा भला था। तो गाइस आप लोग हमेशा बोलते रहते हो ना कि मैं मोबाइल कहाँ से खरीदता हूँ, तो मैं हमेशा मोबाइल लगभग 80% मैं ऑनलाइन से खरीदता हूँ, बाकी का 20% जब इंस्टेंट मुझे खरीदना पड़ता है तो मैं मोनी मोबाइल स्टोर में आके खरीदता हूँ। तो मोनी मोबाइल स्टोर तो आपको पता ही होगा, और जो बाहर से मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो उन लोगों को तो पता नहीं, तो मैं उनको बोल देता हूँ, मोनी मोबाइल स्टोर आपका इटखोला पे है, मस्जिद के साइड में ही है मोनी मोबाइल स्टोर। तो मोनी मोबाइल स्टोर बहुत हम लोग का सिलचर का सबसे फेमस दुकान है, हर कोई वहीं से खरीदता है और मैं भी वहीं से खरीदता हूँ। मैं जाने वाला था इम्पीरियल पे, टाइम भी नहीं है आज, थोड़ा कम टाइम लेके मैं निकला हूँ घर से। और आज पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा स्कूटी का बैटरी का कोई प्रॉब्लम हो गया, स्टार्ट नहीं ले रहा है, सेल्फ नहीं ले रहा है, यादव फिर से शायद से बैटरी का प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या होगा, शायद से बैटरी चेंज करना पड़ेगा या फिर दूसरा रिप्लेस करके दे देगा, क्योंकि 1 साल तो हुआ नहीं, 1 ईयर का वारंटी रहता है, 1 ईयर ना 2 ईयर्स का वारंटी रहता है, तो वारंटी के अंदर आ गया तो मैं रिप्लेस करके दे देगा, अदरवाइज तो नया खरीदना पड़ेगा मुझे। तो गाइस मेरा बहुत दिनों से मन था कि एक वन प्लस का मोबाइल मैं परचेज़ करूँ, क्योंकि मेरा पहले तो आईफोन 11 था, उससे पहले XR था, उससे पहले 7 प्लस था, 8 प्लस था, तो आईफोन का मैंने सब सीरीज़ यूज़ कर लिया एक्सेप्ट 12 को छोड़ के। तो 12 भी परचेज़ करूँगा कुछ दिन बाद, सितंबर अक्टूबर को, जब उसका प्राइस घट जाएगा जब तब मैं लूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, और कल ही मैंने अपना फ़ोन सेल कर दिया, जो मेरा MI 10i था, जो
आप लोगों को पता ही होगा। तो वो वाला फ़ोन मैंने सेल कर दिया कल, तो आज सोचा कि वन प्लस जाके ख़रीद लो। बहुत दिनों से मन था मेरा वन प्लस लेने का। तो वन प्लस का नया निकला है सीरीज़ 9 सीरीज़, तो 9R 9 एंड 9 प्रो, तो मैंने सोचा कि चलो ख़रीद लेता हूँ। खोल तो लिया था बट अच्छी तरह से खोला नहीं, फिर सिम वगैरह टूट नहीं है। पहले फ़ोन को निकालता हूँ मैं। तो ये रहा फ़ोन OnePlus 9R। तो इसका बाद में मैं ये करूँगा, और साथ ही साथ इसके इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले मुझे एक 65 वॉट का एक USB पोर्ट मिलता है, USB केबल रेड कलर का मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वन प्लस का ये है क्विक गाइड वगैरह, और यहाँ पे एक वन प्लस का एक बैक कवर मिल रहा है मुझे, और वगैरह वगैरह क्विक गाइड वगैरह सब है। इस सब का कोई ज़रूरत नहीं, तो इस सबको मैं साइड में रखता हूँ, फिर मैं इसमें सीम वगैरह फूट करता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं मैकेनिक के पास गया था, तो मैकेनिक ने चेक किया, तो चेक करने के बाद देखा कि नहीं बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लच का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्लच का एक साइड मतलब ढीला हो गया है, तो वही इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला का कुछ प्रॉब्लम हो गया, राइट साइड से मतलब किल स्विच मारने से राइट साइड से मतलब स्टार्ट ले रहा है, लेफ्ट साइड से अगर मैं किल स्विच पकड़ के मार रहा हूँ तो मतलब स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो अभी मैं शोरूम जाऊँगा, जाके दिखाऊँगा, क्योंकि बेकार में मैकेनिक में दिखाई को कोई लाभ नहीं है। सबसे बेस्ट होगा TVS में ही जाओ, TVS के शोरूम में जाके दिखा दो, तो वही वो लोग समझेंगे अच्छी तरह। मैं ठीक करा लूँगा। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, तो टिल देन राइड सेफ, टॉप राइडर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना गाइस, बाय बाय।